بسم الله الرحمن الرحيم। कारोख शहर से बाहर एक सराय में वो दाखिल हुए। घोड़ों को उन्होंने अस्तबल में बांधा। हल्की हल्की बर्फबारी अब भी जारी थी। तीनों ने पहले सराय में पेट भर कर खाना खाया। फिर दरवेश उबैदुल्ला चमड़े की एक चादर से अपने जिस्म और चेहरे को डांपे पैदल ही सराय से बाहर निकल गया था, जबकि अब्दुल्ला और कामिनी वहीं सराय में बैठकर दरवेश उबैदुल्ला की वापसी का इंतजार करने लगे थे। अब्दुल्ला और कामिनी को दरवेश उबैदुल्ला का ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा था, इसलिए कि दरवेश उबैदुल्ला जल्द ही लौट आया। अब्दुल्ला और कामिनी के करीब आने से पहले उसने चमड़े की चादर जो उसने अपने ऊपर ले रखी थी उतार कर झाड़ी, क्योंकि उस चादर पर खासी बर्फ जम चुकी थी। फिर वो चादर को एक तरफ फैलाने के बाद उन दोनों के करीब आया और उनके दरमियान बैठते हुए बड़ी राजदारी में कहने लगा, सुनो मेरे बच्चों, मैं अमीर खान से मुतालिक बड़ी तफसील के साथ मालूमात हासिल करके आ रहा हूँ। वो इस वक्त अपनी हवेली में नहीं बल्कि कोहिस्ताने बंदी बाबा के अंदर जंगली बकरियों के शिकार में मसरूफ है। मैं पहले ही तुम्हें कह चुका हूँ कि ये अमीर खान बर्फबारी में जंगली बकरियों के शिकार करने का बड़ा शौकीन है और बर्फबारी में ये लगातार कई रोज कोहिस्तानी सिलसिलों में खैमाजन होकर शिकार करता है। मेरे ख्याल में अब हमें वक्त जाया किए बगैर जबले बंदी बाबा का रुख करना चाहिए और वहीं पर अमीर खान से निमट लेना चाहिए। अब्दुल्ला और कामनी दोनों ने दरवेश उबैदुल्ला की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। तीनों सराय से उठकर अस्तबल में आए। अपने घोड़े उन्होंने निकाले। तीनों ने चमड़े की चादरें अपने ऊपर डाली। फिर वो कारोख शहर की उस सराय से निकलकर कोहिस्ताने बंदी बाबा की तरफ रवाना हो गए थे। वादियों से निकलकर जब वो तीनों जबले बंदी बाबा में दाखिल हुए तो अब्दुल्ला ने दरवेश उबैदुल्ला की तरफ देखते हुए पूछा, दरवेश उबैदुल्ला, इस कदर तवील अरीज कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि अमीर खान कहाँ और किस जगह शिकार में मसरूफ है? इस पर दरवेश उबैदुल्ला हल्की धीमी मुस्कुराहट में कहने लगा, शाह पसंद मेरे बेटे, तुम फिक्रमंद न हो। मैं इस अमीर खान की सारी आमाजगा हूँ और शिकारियों से खूब वाकिफियत रखता हूँ। तुम्हें इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ इस वक्त ये कहाँ खैमाजन होगा, कहाँ ये शिकार कर रहा होगा। बस तुम दोनों चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलते आओ। इसके साथ ही दरवेश उबैदुल्ला ने अपने घोड़े की रफ्तार एड़ लगा कर तेज कर दी थी, जबकि अब्दुल्ला और कामनी भी अपने घोड़ों को एड़ लगाते हुए दरवेश उबैदुल्ला के पीछे हो लिए थे। कोहिस्तानी बंदी बाबा के एक बुलंद सिलसिले पर एक चट्टान के करीब आकर एक ऐसी जगह दरवेश उबैदुल्ला ने अपने घोड़े को रोक लिया जहाँ पर दो रास्तों के मिलने से एक दौराहा बनता था। थोड़ी देर तक उन दोनों रास्तों को दरवेश उबैदुल्ला बड़े गौर से देखता रहा। फिर वो अब्दुल्ला को मुखातब करके कहने लगा, शाह पसंद, इन दो रास्तों को गौर से देखो। एक रास्ता ये है जिस पर हम शहर से सफर करते हुए इस तरफ आए हैं। दूसरा रास्ता इस दौराहे से जुदा होकर बाएं तरफ को जाता है। ये रास्ता कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर ही अंदर बल्क आते हुए कई मील आगे जाकर बाएं जानब एक कोहिस्तानी नदी को अबूर करने के बाद कारोख शहर से बाहर ही बाहर एक लंबा कावा काटता हुआ उस शहरा से जा मिलता है जो हिरास से कंधार की तरफ जाती है। अब तुम दोनों अपने सामने मगरब की तरफ देखो, तुम्हें कुछ नजर आता है? इस पर अब्दुल्ला और कामनी दोनों बर्फबारी में बड़े गौर से अपने सामने मगरब की सिमत देखने लगे थे। फिर अब्दुल्ला चौंक पड़ा। किसी कदर खुशी का इजहार करते हुए वो कहने लगा, अम उबैदुल्ला, ये हमारे सामने काफी खेमों का एक पड़ाव दिखाई दे रहा है। अगर मैं गलती पर नहीं तो ये पड़ाव अमीर खान ही का है। मेरे ख्याल में वो इस जगह जरूर अपने साथियों के साथ शिकार में मसरूफ होगा। जवाब में दरवेश उबैदुल्ला के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट नमोदार हुई। वो भी किसी कदर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहने लगा, शाह पसंद बेटे, तुम्हारे अंदाजे दुरुस्त हैं। ये पड़ाव यकीनन अमीर खान का ही है। अब मेरी तजवीज़ ये है कि तुम और कामनी दोनों यहाँ किसी ओट में अपने घोड़ों को लेकर खड़े रहो, मेरा घोड़ा भी अपने पास रखो। मैं पैदल आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ कि अमीर खान इस वक्त कहाँ है। इसके बाद मैं तुम्हें आकर उसके महल्ले वकू से आगाह करूँगा ताकि तुम उस पर ज़रब लगा सको। इस पर अब्दुल्ला फौरन बोला और कहने लगा, नहीं अम उबैदुल्ला, ऐसा मुनासिब नहीं है। ये काम मैं खुद करूँगा। मैं आपकी इस तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि अमीर खान आपको जानता और पहचानता है और अगर उसकी या उसके साथियों में से किसी की निगाह तुम पर पड़ गई तो अमीर खान को शक हो जाएगा, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। लिहाजा आप कामनी को लेकर उस रास्ते पर जरा आगे चले जाएं जो बाएं तरफ आगे बढ़ते हुए कोहिस्तानी नदी को अबूर कर जाता है। फिर कारोख शहर से बाहर ही कंदहार की तरफ जाने वाली शहरा से जा मिलता है। मैं अमीर खान से इंतकाम लेकर उसी शहरा पर आऊँगा, फिर हम तीनों यहाँ से कूच कर जाएंगे।
अम उबैदुल्ला, मैं कोशिश करूंगा कि किसी न किसी तरह अमीर खान को जिंदा अपने घोड़े पर बिठा कर लाऊं। मैं आपकी मौजूदगी में उससे इंतकाम लेना चाहता हूं, ताकि उसे ये एहसास हो कि जिस करब और जिस बेबसी की हालत में उसने मेरे माँ बाप का खात्मा किया था, उसी बेबसी में वो अपने आप का खात्मा करते हुए देखे और आपका चेहरा उसकी निगाहों के सामने रहे, ताकि उसे एहसास हो कि वक्त और तारीख कैसे अपने आप को दोहराते हैं। अम उबैदुल्ला, अब मेरी इस तजवीज़ के जवाब में कुछ मत कहना। मेरे यहाँ कड़े ही कड़े तुम दोनों हरकत में आओ और बाएं तरफ जाने वाले उस चेहरा पर आगे चले जाओ। तुम्हारे जाने के बाद फिर मैं पड़ाव की तरफ जाऊँगा। अब्दुल्ला की तजवीज़ चौंके माकूल थी, लिहाजा जवाब में दरवेश उबैदुल्ला ने कुछ भी न कहा और वो कामनी को लेकर बाएं तरफ आगे जाने वाले रास्ते पर हो लिया था, जबकि अब्दुल्ला अपने घोड़े को एड़ लगाकर आगे बढ़ गया था। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए अब्दुल्ला अपने सामने नजर आने वाले खेमों के करीब जाकर रुका। इतनी देर तक खेमों के अंदर से एक जवान बाहर निकला, वो शायद खेमों की हिफाजत पर मामूर था। अब्दुल्ला के करीब आया और इस्तेफहामिया से अंदाज में उसने पूछा, अजनबी तुम कौन हो, क्या चाहते हो और क्यों हमारे पड़ाव की तरफ आए हो? इस पर अब्दुल्ला अपने घोड़े से उतर खड़ा हुआ, चंद कदम आगे बढ़कर उस जवान के करीब आया और उसे मुखातब करके कहने लगा, देख भाई, मैं एक ज़रूरतमंद हूँ और हेरात के साबिक हुक्मरान अमीर खान से मिलना चाहता हूँ। मुझे खबर हुई कि वो इस वक्त बर्फबारी में एक कोहिस्तानी बंदी बाबा के अंदर शिकार में मसरूफ है। मैं उनसे इल्तिजा करना चाहता हूँ कि मेरी हाजतमंदी पर तरस खाते हुए मुझे अपने मुसाहिबीन में शामिल कर लें। इस पर वो जवान बोला, अगर ये फरियाद तुम उस वक्त लेकर आते जब अमीर खान हेरात के हुक्मरान थे, तो वो यकीनन तुम्हें अपने मुसाहिबीन में शामिल कर लेते, पर अब उनके पास क्या है? कारो शहर के अतराफ में जो उनकी जागीरें हैं, बस उन पर गुजारा कर रहे हैं और 20 के करीब तो उनके पहले ही मसाइब हैं जो हर वक्त उनके साथ रहते हैं और उनकी खिदमत करते हैं, और उनमें से एक मैं भी हूँ। इस पर अब्दुल्ला बोला, मेरे भाई, क्या तुम बता सकोगे कि गुज़श्ता कितने दिनों से अमीर खान इस जगह शिकार में मसरूफ है और कितने साथी और मसाहिब उनके हमराह हैं? इस पर वो जवाब बेधड़क बोला और कहने लगा, गुज़श्ता कई दिनों से अमीर खान इस जगह शिकार में मसरूफ है और उनके 20 के 20 मसाहिब इस वक्त उनके साथ यहाँ मौजूद हैं। इस पर अब्दुल्ला फिर बोला और पूछने लगा, मेरे भाई, क्या तुम मुझे बता सकोगे कि अमीर खान इस वक्त कहाँ है? मैं उससे मिल लेता हूँ, हो सकता है वो मेरे हाल पर तरस खाकर मुझे अपने मुसाहिबीन में शामिल ही कर लें। मैं शिकार का बेहतरीन माहिर हूँ, तलवार का धनी हूँ और दूसरे फनून और हर बुजर्ब में भी खूब महारत रखता हूँ। इस पर वो जवान थोड़ी देर तक बड़े गौर से अब्दुल्ला की तरफ देखता रहा, फिर उसने बाएं तरफ बुलंद टीले पर खड़े एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो उस टीले पर अमीर खान खड़े हैं, तुम उनसे मिल लो। अगर वो तुम्हें अपने मुसाहिबीन में शामिल करना चाहें तो हमें क्या एतराज है? अब्दुल्ला चूंकि अपना मकसद हासिल कर चुका था, लिहाजा उसने बड़ी आजजी और इनकिसारी के साथ उस जवान को सलाम किया। मुड़कर वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसे उस सिमत पेड़ लगा दी थी जहां एक शख्स टीले पर खड़ा था। करीब जाकर अब्दुल्ला ने देखा, टीले पर खड़ा वो शख्स डली हुई उम्र का था। उसने अपने जिस्म पर कीमती पोस्तीन पहन रखी थी और बर्फबारी से बचने के लिए उसने उस पोस्तीन के ऊपर सुर्ख चमड़े की मोटी उबार डाल रखी थी और वो अपने सामने बर्फबारी में जंगली बकरियों का शिकार करते अपने साथियों को गौर से देख रहा था। उस शख्स का जायजा लेने के बाद अब्दुल्ला ने एक बार फिर मुड़कर पीछे भी देखा। वो जवान जिससे उसने खेमे के करीब गुफ्तगू की थी, वो दोबारा खेमे के अंदर चला गया था। लिहाजा अब्दुल्ला बेधड़क आगे बढ़ा। टीले के करीब उस शख्स के पास आकर अब्दुल्ला घोड़े से उतरा, उसे मुखातब करके कहने लगा, अगर मैं गलती पर नहीं तो आप हेरात के साबिक हुक्मरान अमीर खान है। और अमीर खान ने एक बार गौर और शक व शुबे से भरपूर निगाह अब्दुल्ला पर डाली, फिर वो अपना हाथ यकदम तलवार के दस्ते पर ले गया और किसी कदर सख्त और कड़कती हुई आवाज में पूछने लगा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अब्दुल्ला सर को झुकाते हुए बड़ी नरमी में कहने लगा, आका, आपको मुझसे खौफजदा या मशकूक होने की जरूरत नहीं। मैं एक ऐसे शख्स का बेटा हूं जो अपनी जिंदगी में हमेशा आपका ममनून और एहसान मंद रहा है, इसलिए कि उस पर आपकी बेपना इनायत रही है। मैं इस वक्त हाजतमंद हूं, इस बर्फबारी में आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ कि आप मुझे अपने मसाहिबीन में शामिल कर लें, इसलिए कि इन दिनों मैं बड़ी कसम पुरसी में जिंदगी बसर कर रहा हूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं शिकार का बेहतरीन माहर होने के साथ हर बुजर्ब के फनून में भी अपना जवाब नहीं रखता। अगर आप मुझे आजमाना चाहें तो आजमा कर देखें, मैं आपके सामने जंगली बकरियों का शिकार करके आप पर अपनी महारत साबित कर सकता हूं। अब्दुल्ला की ये गुफ्तगू सुनकर वो शख्स बोला और कहने लगा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, मैं ही हेरात का साबिक हुक्मरान अमीर खान हूं।
इसके साथ ही आमिर खान ने अपनी तलवार के दस्ते से अपना हाथ हटा लिया। फिर वो किसी कदर नरम और शफकत आवाज में बोला, पहले ये तो कहो कि तुम किस शख्स के बेटे हो जिस पर मेरी इनायत रही है। इस पर अब्दुल्ला बात को टालने के अंदाज में कहने लगा, आका जिस वक़्त आप हिरात के हुक्मरान थे उस वक़्त आपकी मुराद बेशुमार इंसानों पर थी, आप किस किस का नाम सुनना पसंद करेंगे? बस मेरी तो गुजारिश है कि आप मुझे अपने मुसाहिबीन में शामिल कर लें। अब्दुल्ला की ये गुफ्तगू सुनकर आमिर खान खुश हुआ और उससे कहने लगा, तुम्हारे हथियार और तुम्हारा जंगी लिबास बताता है कि तुम अच्छे शाहसवार होने के साथ साथ अरब जरब के फनून में भी महारत रखते होगे। मैं तुम्हें आज के शिकार में आजमाता हूँ, अगर तुम मेरी ख्वाहिशों के मुताबिक उतरे तो मैं तुम्हें अपना जाती मुहाफ़िज़ मुकर्रर कर दूंगा। वो सामने मेरे साथी जंगली बकरियों का शिकार कर रहे हैं, तुम भी उनमें शामिल हो जाओ और अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करो। अब्दुल्ला अपने घोड़े को लेकर जरा पीछे हटा, फिर अपने घोड़े पर सवार हुआ। फिर अब्दुल्ला अब्दुल्ला न रहा था, आंधी और तूफान बन गया था। अपने घोड़े को एक झटके के साथ उसने वापस मोड़ा, उसे एक सख्त और अंगेख करने वाली जरब लगाई और आमिर खान की तरफ उसको सरपट दौड़ा दिया था। आमिर खान ने जब देखा कि वो अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ उसकी तरफ आ रहा है तो वो जान बचाने के लिए उस टीले से एक तरफ भागा, लेकिन उस वक़्त तक अब्दुल्ला उसके सर पर पहुँच चुका था। आमिर खान के करीब आकर अब्दुल्ला ने अपना हाथ बढ़ाया और आमिर खान को उसके लिबास से पकड़कर गेंद की तरह ऊपर उछाला और अपने घोड़े पर आगे सवार कर लिया था। फिर वो घोड़े को भगाता हुआ उस रास्ते पर हो लिया था जिस रास्ते पर उसने दरवेश उबैदुल्ला और कामनी को आगे बढ़ने के लिए कहा था। जरा फासले पर मगरब में आमिर खान के शिकार करते हुए साथियों ने अब्दुल्ला को ये कार्रवाई करते हुए देख लिया था, लिहाजा शिकार तर्क करके वो अपने घोड़ों की तरफ भागे और उन पर सवार होकर अब्दुल्ला के ताकुब में लग गए थे। आमिर खान को अपने आगे दबोचे ही दबोचे अब्दुल्ला अपने घोड़े को सरपट दौड़ा रहा था और दरवेश उबैदुल्ला और कामनी से आ मिला था। फिर वो बड़ी तेजी से उन्हें मुखातब करते हुए कहने लगा, हमें फौरन दाएं तरफ चट्टानों में आड़ लेकर बैठ जाना चाहिए, इसलिए कि सामने इस वक्त बैठे हुए आमिर खान के साथ ही जरूर ताकुब में आएंगे। अब्दुल्ला की इस तजवीज़ के जवाब में दरवेश उबैदुल्ला और कामनी अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए अब्दुल्ला के पीछे हो लिए थे। थोड़ा सा आगे जाकर अब्दुल्ला दाएं तरफ एक घाटी में मुड़ा, फिर अपने घोड़े से वो उतर गया। आमिर खान को भी उसने घोड़े से उतारा, उसके हाथ पांव रस्सी में कसकर बांध दिए और मुंह पर कपड़ा बांधा। तीनों घोड़ों को एक चट्टान की ओट में खड़ा करके बांध दिया गया। इसके बाद अब्दुल्ला कामनी और दरवेश उबैदुल्ला एक दूसरे के करीब करीब एक बुलंद चट्टान की ओट में लेट गए थे। उन्होंने अपनी कमानें संभाल ली थी, तीरों से भरे हुए तरकश अपने करीब रख लिए थे और चिल्ले पर तीर चढ़ाकर तैयार हो गए थे ताकि जो ही आमिर खान के साथी ताकुब करते हुए इस तरफ आए तो उन्हें तीरों से चलनी करके रख दें। थोड़ी देर बाद आमिर खान के साथी अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए उस तरफ आए। चट्टान के ऊपर लेटे ही लेटे अब्दुल्ला ने उन सवारों को गिना, वो 18 के करीब थे। फिर अब्दुल्ला ने अपने दाएं बाएं लेटे हुए दरवेश उबैदुल्ला और कामनी को मुखातब करते हुए कहा, तुम दोनों तैयार रहो, जो ही आमिर खान के साथी हमारे तीरों के जद में आए उन पर तेज और मूसलाधार तीर बरसाओ ताकि इस जगह उन सबका खात्मा कर दिया जाए। अब्दुल्ला के कहने पर दरवेश उबैदुल्ला और कामनी बिल्कुल तैयार और मुस्तैद हो गए थे। जो ही ताकुब करने वाले वो घुड़सवार नजदीक आए, अब्दुल्ला कामनी और दरवेश उबैदुल्ला ने बारिश की तरह उन पर तीर बरसाए और आन की आन में उन सब सवारों का उन्होंने खात्मा करके रख दिया था। फिर तीनों बेपनाह खुशी और मसरत का इजहार करते हुए चट्टान से नीचे उतरे। सबसे पहले अब्दुल्ला ने मरने वालों की गिनती की, वो 18 थे। फिर अब्दुल्ला दरवेश उबैदुल्ला को मुखातब करके कहने लगा, आम उबैदुल्ला, आमिर खान के पड़ाव के करीब जाकर मैंने उसके एक महाफ़िज़ से गुफ्तगू की थी। दौरान गुफ्तगू मैंने ये मालूम कर लिया था कि आमिर खान के साथ इस वक्त कुल 20 मुसाहिब हैं। हम उबैदुल्ला, तुम देखते हो कि उन 20 में से हम 18 का खात्मा कर चुके हैं। मेरे ख्याल में दो पड़ाव की हिफाजत पर मामूर होंगे, क्या हम ऐसा न करें कि आमिर खान को लेकर उसके पड़ाव की तरफ जाएं और वहां उसे मैं अपना तारुफ कराने के बाद मौत के घाट उतार दूं? इस पर दरवेश उबैदुल्ला बोला और खतरों भरी आवाज में कहने लगा, नहीं शाह पसंद मेरे बेटे, हमें ये खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। हो सकता है आमिर खान के उस मुसाहिब ने तुम्हें तादाद बताने में जानकर गलती से काम लिया हो, मेरी मानो तो यही इस आमिर खान का खात्मा कर दो। देखो बेटे, बर्फबारी तेज हो गई है और अब हमें मजीद किसी खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो रास्ते के अतराफ में 18 लाशें पड़ी है ये भी किसी वक्त हमारे लिए खतरे का बायस बन सकती है। दरवेश उबैदुल्ला की इस गुफ्तगू के जवाब में अब्दुल्ला कुछ कहना ही चाहता था कि कामनी भी बोली और अब्दुल्ला को मुखातब करके कहने लगी,
हम उबैदुल्ला टी कहते हैं, हमें मजीद किसी खतरे में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमें आमिर खान के साथियों और मुसाहिबों से कोई गर्ज व गायत नहीं है। हमारा हदफ, हमारा मकसद सिर्फ ये आमिर खान था जिसे हम हासिल कर चुके हैं। मेरे ख्याल में आप इसे यहीं मौत के घाट उतारें और फिर हम वापस उस रास्ते पर चक्कर काटते हुए उस सहरा पर जा चढ़ें जो हेरात से कंदहार की तरफ जाती है। इस पर अब्दुल्ला ने कुछ सोचा, फिर वो वापस मुड़ते हुए कहने लगा, मैं दोनों की तजवीज से इत्तेफाक करता हूँ। आओ पहले आमिर खान से निमटते हैं, फिर अपने घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से कूच करते हैं, इसलिए कि बर्फबारी पहले की निस्बत तेज हो गई है जो किसी भी वक्त हमारे लिए दुश्वारी और तकलीफ का बायस बन सकती है। अब्दुल्ला ने आगे बढ़कर चट्टान के करीब पड़े हुए आमिर खान के हाथ पांव खोले, बाजू से पकड़कर उसने आमिर खान को उठाया। एक झटके के साथ उसने आमिर खान की तलवार खींचकर एक तरफ फेंक दी। फिर अब्दुल्ला आमिर खान से कुछ कहना ही चाहता था कि आमिर खान ने बोलने में पहल की और अब्दुल्ला को मुखातब करके पूछने लगा, अजनबी तुम कौन हो? क्यों तुमने धोखाधड़ी से काम लेकर मेरे साथ फरेब किया कि मुझे उठाकर यहाँ ले आए? हालांकि तुमने मुझसे इल्तिमास की थी कि तुम हाजतमंद हो और मेरे मसाहिबों में शामिल होना चाहते हो, ये कि मेरी तुम्हारे बाप पर बड़ी इनायत है। इस पर अब्दुल्ला बोला, ये बात तुम्हें अब भी कहता हूँ कि मेरे बाप पर तुम्हारी बड़ी इनायत थी, इस कदर इनायत कि तुमने मेरे बाप को तरसा तरसा कर मौत के घाट उतारा और मेरी माँ को भी मौत की वादी में धकेल दिया। इस पर आमिर खान चौंक कर बोला, खुलकर कहो तुम क्या कहना चाहते हो? इस पर अब्दुल्ला बोला, आमिर खान क्या तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जिसका नाम बैरम खान हो, जो जात का तुर्क हो और जिसकी शादी सिस्तान के एक अरब घराने में हुई थी? वही बैरम खान जो पहले तुम्हारे पास, इसके बाद काबल के साबिक हुक्मरान नसीर खान के पास खाजन की हैसियत से काम कर रहा था। आमिर खान वही बैरम खान जो तुर्क था, जिसकी बीवी सिस्तान की अरब थी, जिस पर तुम गलत निगाह रखते थे और उसी को हासिल करने के लिए तुमने बैरम खान का खात्मा करना चाहा, पर बैरम खान की बीवी तुम्हें नापसंद करती थी, वो अपने शोहर से जुनून की हद तक मोहब्बत करती थी, लिहाजा उस जी इज्जत खातून ने अपने आप को तुम्हारी ख्वाहिशों के हवाले न किया और अपने शोहर की वफादार बनकर रही, जिसकी बिना पर तुमने काबुल के हुक्मरान नसीर खान के साथ साजिश करके उन दोनों का खात्मा करा दिया। आमिर खान क्या मैंने गलत कहा है? अब्दुल्ला की जहरीली गुफ्तगू से आमिर खान का चेहरा जर्द हो गया था, आंखों में जख्मों के हरूफ जैसी अजनबियत और होंठों पर मौसमों के गर्द से अटी हुई तिश्नगी का पहरा साफ दिखाई देने लगा था। दरवेश उबैदुल्ला ने अभी तक अपना चेहरा डांपा हुआ था, ऐन उसी लम्हे उसने अपने चेहरे से चरमी चादर हटा दी। उसे देखते हुए आमिर खान की हालत और ज्यादा बुरी हो गई थी। इस पर दरवेश उबैदुल्ला पूरी होलनाकी और गजब आलूद आवाज में आमिर खान को मुखातब करके पूछने लगा, आमिर खान क्या तुमने मुझे पहचाना? मेरा नाम उबैदुल्ला है और मैं बैरम खान के साथ एक साथी और साइज के तौर पर उसके साथ काम करता रहा हूँ। मेरे ख्याल में तुमने मुझे पहचान लिया होगा। आमिर खान ने कोई जवाब न दिया। लगता था बर्फ की तरह उसके होंठ भी मुंजमद हो गए हों। इस पर दरवेश उबैदुल्ला फिर बोला, आमिर खान ये जो नौजवान तुम्हारे सामने खड़ा, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे गुफ्तगू कर रहा है, ये उसी बैरम खान का बेटा और फर्जिंदे अजीज है जो तुम्हारे हाथों मारा गया था। आमिर खान वक्त और तारीख एक न एक रोज अपने आप को दोहराते जरूर है। तुमने बैरम खान और उसकी बीवी पर जुल्म करते हुए ये न सोचा कि आज तकदीर अगर उनके खिलाफ है तो कल यही तकदीर तुम्हारी जात, तुम्हारी जीस पर भी शब खून मार सकती है। देख आमिर खान, अपने साथ 20 मुसाहिब रखने के बाद भी इस बर्फबारी में तू आज बैरम खान के बेटे अब्दुल्ला के सामने बिल्कुल बेबस और लाचार खड़ा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी बैरम खान और उसकी बीवी तुम्हारे सामने बेबस और लाचार थे। देख आमिर खान, मरने के लिए तैयार हो जा। जो ही दरवेश उबैदुल्ला ने अपनी बात खत्म की, अब्दुल्ला ने अपनी भारी तलवार बुलंद करके गिराई जो आमिर खान को शाने से रानों तक चीरती हुई चली गई थी। आमिर खान का खात्मा करने के बाद अब्दुल्ला थोड़ी देर तक अपने हाथों में खून आलू तलवार तामे आमिर खान की लाश को देखता रहा। लाश से बहने वाला खून बड़ी तेजी से जमीन में जज़ब होता जा रहा था। अब्दुल्ला न जाने कब तक इस महवियत में डूबा रहता कि दरवेश उबैदुल्ला बोला और कहने लगा, शाह पसंद मेरे बेटे, हमें ज्यादा देर यहाँ रुककर अपने आप को खतरात में नहीं पड़ना चाहिए। जिस काम के लिए हम आए थे उसे हम बखैरियत व खूबी अदा कर चुके हैं। आओ अब यहाँ से वापस कंदहार की तरफ कूच कर चलें। इस पर अब्दुल्ला चौंका और कहने लगा, हम उबैदुल्ला यहाँ से हम सीधे कंदहार नहीं जाएंगे बल्कि पहले नादर आबाद का रुख करेंगे। वहाँ मैं अपने उस्ताद मोहतरम हसामुद्दीन और उनके भाई मजीरुद्दीन से मिलूंगा, इसलिए कि उन दोनों के मुझ पर बड़े एहसानात हैं। आज जो कुछ भी मैं हूँ खुदावंद कुदूस के फजल, तुम्हारी शफकत, अहमद शाह अब्दाली की मेहरबानी के बाद हसामुद्दीन और मजीरुद्दीन का भी बहुत बड़ा हाथ है।
लिहाजा मैं कंदहार का रुख करने से पहले नादर आबाद में उन दोनों भाइयों से मिलना चाहता हूँ। इस पर दरवेश उबैदुल्ला खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, शाह पसंद मेरे बेटे, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, और आओ अब यहाँ से कूच करें। इसके बाद चुपचाप तीनों अपने घोड़ों पर सवार हुए और मरने वालों के 18 के 18 मुसल्लह जवानों के घोड़ों को अपने आगे आगे हांकते हुए वो कोहिस्तानी बंदी बाबा के अंदर पेच बल काते हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। सबसे पहले वो हेरात शहर में दाखिल हुए। वहाँ घोड़ों के एक सौदागर के हाथ उन्होंने 18 घोड़े फरोख्त कर दिए, जिससे उन्हें खासी रकम हासिल हो गई थी। फिर वो अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए नादर आबाद का रुख कर रहे थे।